अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम लोग गए थे पैकेजेस मॉल और बच्चों ने कुछ अपनी शॉपिंग करनी थी, स्पेशली बच्चा पार्टी से एक्सेसरीज़ उन्होंने अपनी लेनी थी कुछ, तो वो हम वहाँ पे फिर शॉपिंग करने गए और फिर हमने काफ़ी इंजॉय किया। तो आप भी हमारे साथ शॉपिंग को इंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले हम बच्चा पार्टी गए थे और ये पैकेजेस मॉल के सेकंड फ्लोर के ऊपर है और यहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाती है कि छोटे बच्चे के कपड़े, न्यू बॉर्न बेबी के, बड़े बच्चों के कपड़े, एक्सेसरीज़, इसी तरह से शूज़ हो गए, टॉयज़। तो बच्चों की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे, गर्ल्स की इतनी अच्छी वैरायटी है ज्वेलरी की, बोनियाँ हो गई, नेकलेस हो गए, ब्रांड्स हो गए, इस तरह की बहुत सारी वैरायटी आपको मिलेगी और आप इसको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। और बच्चा पार्टी पे एक्सेसरीज़ के रेट्स इंतहाई मुनासिब हैं कि मतलब आप अगर चाहें और आप कुछ बाय करना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ से एक्सेसरीज़ को बाय कर सकते हैं। शॉपिंग एक हेल्दी एक्टिविटी है और शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप इससे अपने आप को फ्रेश कर सकते हैं, खुश रख सकते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले बच्चों की एक्सेसरीज़ देखने आए थे। आप भी मेरे और हुरैन के साथ शॉपिंग इंजॉय करें क्योंकि हुरैन यहाँ पे अब ये खड़ी है और इसने अपनी बहुत सारी जो है नेकलेस देखे और फिर उसमें से इसने एक चूज़ किया। तो आप भी इसको इंजॉय कीजिए। ये ले लो, ठहरो ठहरो, ऐसे नहीं, नहीं ये इतना मुझे देखा नहीं लगा, ठहरो मल्टी में देखते हैं। ये दिस इज नो, दिस वन इज़ नाइस, ये मल्टी में है, देखो हर कलर है इसके अंदर। दिस वन नो रैन, दिस वन नो बेटे, ये नहीं लेना, ये नहीं अच्छा लग रहा, छोटी भी नहीं है। रैन मल्टी में ले लो, नो इसमें हार्ट कलर के कलर्स हैं, इसको खींचो नहीं, ना मैं आपको कह रही थी बीड्स, ये जो पर्ल वाला है ना ये आपको सूट कर रहा था, आप ये ले लेना। क्या ये देखो, प्लेन पर्ल वाला ना, प्लेन पर्ल ये टू मल्टी टू इन वन ना, ये देखो ये टू इन वन है, आई थिंक कट्ठे हैं वो ना, लेदर लेदर नहीं है ये, हाँ वो टू वाली पेयर्स के साथ ही है, सिंगल नहीं है। ये देखो वाइट और वो नो रैन, आई डोंट लाइक इट, ये ले लो, ये वैसे ना ये वाला नहीं मुझे इतना मजे का लगा, ये ले लो रैन, दिस वन पिंकिश वन, आई थिंक इट्स रैन, ये अच्छा है, दिस वन इज़ नाइस, आई डोंट लाइक इट, नो दिस वन, सारा रैन पुल नहीं करना, खा टूट जाएगा, ये ले लो ठीक है। बास्केट पता नहीं कहाँ से, बास्केट लेके बच्चा
यहाँ पे बच्चों के ये कलर सेक्शन भी है। और मनाल ने तो कोई ज्वेलरी नहीं बाय की, उसने कलर्स हमको प्रेफरेंस दी, तो वहाँ से फिर हमने कलर्स बॉक्स बाय किए। और ये वाले कलर्स हमने अपने होमवर्क में भी, इसको बच्चों के होमवर्क में काफ़ी इनको यूज़ किया था, और ये काफ़ी अच्छे कलर्स थे जो मनाल ने यहाँ से बाय किए थे। आओ जो इससे बड़ी, दिस वन यस। चलो ये पेंस का सेक्शन है, और यहाँ पे बहुत अच्छी जो है हेयर पेंस, कोई छोटी हैं कोई बड़ी हैं, सर हर तरह की अवेलेबल है, और काफ़ी वैरायटी है। आप यहाँ पे आके ना एक्सेसरीज़ को बाय करते हुए बोर नहीं होते, तो आप का ज़रूर आएँ। और यहाँ पे बच्चा पार्टी पे जितने भी मतलब बच्चे छोटियाँ की जो गर्ल्स हैं वो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटी बच्चियों के लिए हेयर बैंड्स और फिर ज्वेलरीज, और एक बड़ी बच्चियों के लिए टॉप्स, और बहुत ज़्यादा वैरायटी में टॉप्स पड़े हुए हैं यहाँ पे। और मुझे, मैं जब भी लाहौर आती हूँ तो मैं लाजमी बच्चा पार्टी से बच्चों के लिए पेंस और टॉप्स इस तरह की चीज़ें लेके जाती हूँ, और बच्चे इसको काफ़ी इंजॉय करते हैं चीज़ें बाय करने के लिए। लेकिन शॉपिंग जो है आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक करें, कि अगर आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की तो आप उसको बाय करें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेके रखना और फिर बाद में ये सोचना कि हम इसको किस मौके पे पहनेंगे, तो ये भी एक तरह से फजूल खर्ची है। तो आप लाजमी जब आप शॉपिंग करते हैं तो आप अपनी सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों को बाय करें, ताकि आपकी जो भी है एक्सपेंस वो ज़्यादा ना लगे। तो ये देखें, ये हेयर बैंड्स थे, हुरैन को बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब आर्टिफिशियल हेयर्स बहुत अट्रैक्ट कर रहे थे, तो हमने स्पेशली यहाँ से एक हेयर पिन भी बाय की जिसके ऊपर आर्टिफिशियल हेयर्स थे। ये यूनिकॉर्न कलर्स के, उन्होंने यूनिकॉर्न पिन थी और साथ में कलर्स थे, ये कुछ बीड्स थी बनी हुई जो ब्रेड्स होती हैं, और बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो हमने तो एक आर्टिफिशियल हेयर वाली पिन बाय की, ब्रेड्स वाली जो, या हेयर बैंड इस तरह के बाय नहीं किए थे। तो साथ में हमने वो कुछ और जो पिन्स और नेकलेस बाय किए थे, तो ताकि मतलब अच्छी क्वालिटी, ये बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि शॉपिंग करना अच्छा है, लेकिन आप इतना ज़्यादा शॉपिंग ना करें कि आपकी नीड्स से ज़्यादा। और कुरान में भी हुक्म है कि फजूल खर्ची करने वालों को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, तो इसलिए हमें शॉपिंग करने वक्त बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी बेसिक नीड्स में वो शॉपिंग आती हो। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बाय करना जो है वो फजूल खर्ची है, इसलिए आप इस चीज़ से इज्तनाब हमें करना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी किस्म के बैग्स की भी वैरायटी थी, और बहुत सारे बैग्स मुझे उनमें से अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे बैग्स को बाय नहीं करना था क्योंकि बच्चों के पास ऑलरेडी मौजूद थे, इसलिए बस मैंने उनको जस्ट चेक किया और कि किस तरह के बैग्स अवेलेबल हैं, और बस बाद में हमने एक्सेसरीज ली और फिर उसको हमने इंजॉय किया अपनी इस शॉपिंग को। यहाँ पे मनाल अपने हेयर बैंड्स लगा के चेक कर रही थी कि मुझ पर कौन सा सूट कर रहा है और कौन सा नहीं। बस हमने फिर ज़्यादा चीज़ें बाई नहीं की थी, बस जो हमें ज़रूरत थी हमने वो बाय की। और मैं अपने बच्चों को भी यही ज़्यादा लेसन देती हूँ कि बेटा जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उसको बाय करें, और जिस चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है उसको ले के मत रखें, क्योंकि इससे वेस्ट ऑफ मनी होता है, और फिर आपकी एक जो मनी है वो आपको जब वेस्ट हो जाएगी तो फिर आपको उस चीज़ का एहसास होता है कि काश मैं ये चीज़ ना लेती, या मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो उसके बाद बस फिर हमने बच्चों को टर्किश आइसक्रीम दिलाई। यहाँ पे हुरैन कह रही थी कि मैंने ट्रिक नहीं करना, मुझसे ट्रिक नहीं किया जाएगा, तो फिर हमने उसको वैसे ही आइसक्रीम दिला दी। और फिर मनाल ने यहाँ पर ट्रिक किया, तो उसके साथ काफ़ी देर तक मज़ेदार किस्म का ट्रिक हुआ, और उसने इसको इंजॉय किया काफ़ी।
पर्सनली मुझे इतनी वैसे टर्किश आइसक्रीम जो है उसका फ्लेवर इतना पसंद नहीं है, और बच्चों ने वैसे ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी को लाए लिया मनाल ने कहा कि जी मैंने ब्लूबेरी लेनी है, हुरैन ने कहा कि स्ट्रॉबेरी लेनी है, तो ब्लूबेरी इस तरह की थी कि उसका जो है ना कलर जो है वो लिप्स पे उसके आ रहा था, यानी इतना उन्होंने कलर इसके अंदर ऐड किया हुआ था। तो ये कोई मतलब बहुत अच्छी आइसक्रीम नहीं लगती मुझे, लेकिन बस बच्चों को वो ट्रिक करने का मज़ा आता है इसलिए वो इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। इसके बाद हमने थोड़ी सी और शॉपिंग की थी और बच्चों ने रास्ते में जाते हुए अपनी ये आइसक्रीम को इंजॉय किया। हुरैन आइसक्रीम को बहुत ज़्यादा लाइक करती है और वो उसका तो दिल चाहता होता है कि बस मैं आइसक्रीम ही डेली बेसिस पे खाती रहूँ। फिर हम थोड़ी देर के लिए बीच स्ट्रीट गए थे, हमने वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग की और फिर मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट किसी व्लॉग में कि हमने क्या शॉपिंग की थी। बीच ट्री एक ऐसा ब्रांड है कि जो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है, मतलब हर एक पर्सन की रेंज में मेरा ख्याल है कि इसके कपड़े आ जाते हैं इंसान के, ना कि मतलब नॉर्मल भी पर्सन इसको बाय कर सकता है। तो इसलिए मुझे ये ब्रांड अच्छा लगता है क्योंकि मैं एक जॉबियन हूँ और मैंने स्कूल के लिए मुझे ड्रेसेस चाहिए होते हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि नॉर्मल प्राइसेस के ही मैं ड्रेसेस को बाय करूँ, ताकि मतलब मेरे ड्रेस स्कूल में जाने आने की वजह से ड्रेसेस जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखें मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और एक पे तो मनाल कहें कि मम्मा ये मुझे ले दें, तो हालांकि मनाल को अभी मतलब लेडीज़ साइज़ नहीं आता है, स्मॉल साइज़ भी जो है लेडीज़ साइज़ जो एक्स्ट्रा स्मॉल है वो भी अभी उसको थोड़ा सा बिगी होता है, तो उसको यहाँ पे एक बहुत अच्छा सूट लग रहा था और वो मुझे कहे कि मम्मा नहीं प्लीज़ आप मेरे ये ले के दें। लेकिन फिर मैंने उसको समझाया कि नहीं बेटा ये आपके लिए नहीं है, तो वो फिर मान गई। तो बस हमने कुछ थोड़ी सी शॉपिंग की और बच्चों को इंजॉयमेंट करवाई और फिर हम उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ निकल पड़े थे। और आप भी जब लाहौर आएँ तो आप लाजमी पैकेजेस मॉल में विज़िट करें, यहाँ पे हर किस्म के ब्रांड्स मौजूद हैं, हम हाई रेंज के लिए भी और लो प्राइसेस वाले ब्रांड्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक प्ले एरिया है जहाँ पे बच्चे मतलब खेलते हैं, प्ले माउस हाउस के नाम से वो प्ले एरिया है, और वहाँ पे आप बच्चों को 2 आवर्स के लिए छोड़ सकते हैं और आप बेशक बच्चों को अंदर छोड़ के आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा है यहाँ पे अरेंजमेंट कि आप इजीली शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ फिरना ज़रा मुश्किल होता है। तो इस दफ़ा तो हम माउस हाउस नहीं बच्चों को छोड़ के गए थे, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हमने माउस हाउस काफ़ी दफ़ा इंजॉय कर लिया है, तो अब हमें मतलब वो वहाँ पे इतनी मतलब अट्रैक्टिव नहीं फील होता है वहाँ पे। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।